Get cricket updates daily. पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली के इम्कान नज़र आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के टीम में कौन कौन सी तब्दीलियां होंगी दूसरे टेस्ट में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि क्रिकेट की हर ताज़ा तरीन न्यूज़ आप तक सबसे पहले और सबसे तेज़ पहुँचती रहे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। फ्रेंड्स पहले टेस्ट में एक इनिंग से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दूसरे टेस्ट से पहले चेंजिंग के इम्कान जाहिर हो रहे हैं। आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है सिडनी में पहुंच रही है, जहां पर वो आज के दिन रेस्ट करेंगे और बुध और जुमेरात के बाद वो प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि बुध और जुमेरात को वो प्रैक्टिस सेशन में शामिल होंगे। फ्रेंड्स दूसरा टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 29 नवंबर को खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, और उसमें चेंजिंग की अगर बात करें तो हारिस सोहेल की छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह पर इमामुल हक या आबिद अली को टीम में शामिल किया जा सकता है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद अब्बास को टीम में शामिल किया जा सकता है, यासिर शाह, शाहीन अफरीदी या इमरान खान में से किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा। फ्रेंड्स ये न्यूज़ आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।